तीनू के परिवार में उसकी पत्नी रूपा और बेटी चंदा के अलावा एक कुत्ता मोती भी रहता है। तीनू शहर के बाहर एक बरगद के पेड़ के नीचे प्लास्टिक और तार के पत्तों की झोपड़ी बनाकर रहता था। सुबह में तीनों रद्दी चुनने के लिए शहर निकल जाते थे और मोती घर की रखवाली करता था। बहुत ही दरिद्रता से उनका जीवन बीत रहा था। एक दिन, सुनो जी, चंदा बड़ी हो रही है। कल हरिया नल पर चंदा को नहाते हुए बुरी नजरों से देख रहा था। हमें घर की बहुत जरूरत है। लेकिन हम बदकिस्मत गरीब को घर कौन देगा? पिताजी, मुझे आज केक चाहिए। मैं आज अपना जन्मदिन केक काटकर ही मनाऊंगी। उस दिन दीनू रूपा के साथ शहर में रद्दी चुनने के लिए निकलता है। चंदा और कुत्ता मोती घर पर ही रहते हैं। चंदा अपने प्लास्टिक और पत्तों से बनी झोपड़ी को रद्दी रंग बिरंगे कागजों और पॉलिथीन से सजाती है। इधर दीनू और रूपा चिलचिलाती धूप में कूड़े के ढेरों से जल्दी जल्दी रद्दी कागज एवं रद्दी कबाड़ी सामानों को चुनकर अपने बोरे में भरते जाते हैं। दोनों शहर के एक कबाड़ी वाले के पास जाकर रद्दी सामानों को बेच देते हैं। उनसे उनको 25 रुपए मिलते हैं। 20 रुपए का दाल चावल और राशन का सामान लेने के बाद बचे हुए 5 रुपए लेकर एक केक की दुकान के बाहर बड़ी देर तक खड़े रहने के बाद दुकान के अंदर घुसते हैं। दुकानदार साहब, मुझे केक लेना है। महंगा हम गरीब नहीं खरीद सकते हैं। तो 50 रुपए की पेस्ट्री ले जाओ। हमारे पास तो 5 रुपया ही है। गार्ड, इन्हें बाहर का रास्ता दिखाओ। गार्ड उन दोनों को दुकान से बाहर निकाल देता है। दीनू और रूपा दोनों अपनी गरीबी को कोसते हुए बाहर आ जाते हैं। तभी रूपा की नजर ठेले पर बिक रहे समोसे पर जाती है। अब भैया, एक समोसा कितने का है? 5 रुपए का एक और 10 रुपया के 2 समोसे हैं भैया। भैया, ये लो 5 रुपए, एक समोसा दे दो। समोसा लेकर दीनू और रूपा घर पहुँचते हैं। वहाँ पर पहुंचकर देखते हैं कि चंदा ने प्लास्टिक की झोपड़ी को बहुत अच्छे से सजाकर सुंदर बना दिया है। दोनों चंदा की तारीफ करते हैं और समोसा निकालकर उसे केक काटने के लिए देते हैं। वो समोसे वाला केक काटती है। समोसा खाती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। उस रात तेज आंधी और बारिश में उनका घर उड़ जाता है। सब कुछ तबाह हो जाता है। वो लोग बंजारे की तरह एक नए आश्रय की खोज में निकल पड़ते हैं। पिताजी, इस गर्मी में अब चला नहीं जाता। भूख और प्यास उतनी ही जोर से लगी है। वो देखो, पेड़ के नीचे छाया में एक साधु महात्मा बैठे हैं। चलो चलो, वहीं चलते हैं। वहाँ पर पानी कहीं ना कहीं होगा ही। प्रणाम बाबा। कौन हो तुम लोग? मैं दीनू हूँ। हम सब रद्दी चुनकर किसी तरह गुजारा कर रहे थे। कल रात की आंधी और बारिश ने हमारा सब कुछ खत्म कर दिया। हमारा कोई ठिकाना नहीं। बेटा, तुम लोगों की सादगी ये दर्शाता है कि तुम लोग एक सच्चे और अच्छे इंसान हो। जाओ, यहाँ से 3 मील दूर पहाड़ियों से घिरी एक झील है। उस झील में स्नान करने के बाद जो भी पहली बार तुम्हारे मन में इच्छा आएगी, उसी चीज का घर और कारोबार की प्राप्ति तुम्हें होगी। प्रणाम बाबा। तीनों बाबा से आशीर्वाद लेकर झील की तरफ चल देते हैं। 3 मील चलने के बाद उन्हें 3 ओर से पहाड़ियों से घिरी एक झील दिखाई देती है। गर्मी में 3 मील चलने के बाद वो थके रहते हैं। तीनों स्नान के लिए झील में उतरते हैं। नहाने के बाद चंदा को जन्मदिन वाले समोसे की याद आती है। वो सोचती है कि जब पैसे आएंगे तो खूब समोसे खाएंगे। तभी एक तेज रोशनी का गोला झील के किनारे गिरता है और एक बहुत विशाल समोसे के घर में तब्दील हो जाता है। तीनों आश्चर्य से उस घर को देखने लगते हैं। तभी चंदा चिल्लाती है, पिताजी, माँ, देखो हमारा घर। साधु बाबा ने सच कहा था,
अभी मैं समोसे के बारे में ही सोच रही थी। वाह, ये तो कमाल हो गया। हे साधु महात्मा, आपकी सदा जय हो। तीनों उस विशाल समोसे के घर में घुसते हैं। दो मंजिला समोसे का बड़ा घर होता है। निचले तले पर समोसे के कारखाने होते हैं और दूसरे तले पर शानदार रिहायशी मकान होता है। निचले तले पर समोसे का और उसके मसाले का एक स्टोर रूम होता है, जिसमें समोसे तैयार होते हैं। उसके समोसे बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। जल्द ही उसके समोसे पैकिंग होकर देश विदेश निर्यात होने लगते हैं। एक रात समोसा हाउस में रंगा और बिल्ला नामक दो चोर घुस जाते हैं। अरे बिल्ला भाई, ये तीनू दीनानाथ कंपनी ने क्या शानदार समोसा हाउस बनवाया है। हाँ भाई, ऐसे घर में चोरी करने का अलग ही मजा है। हल्ला सुनकर दोनों चोर समोसे के ढेर में छिप जाते हैं। कौन कौन है नीचे? क्या हुआ पिताजी, चिल्ला क्यों रहे हो? बेटी, लगता है नीचे कोई है। पिताजी, सुबह होने ही वाली है, मैं तेल गरम कर रही हूँ। आप मसाले को समोसे में भरकर छानने के लिए तैयार करो। रूपा, जरा बेलचा लाना तो। मसाला बहुत कड़ा लग रहा है, इसे तोड़ना पड़ेगा। पिताजी, तोड़ने में समय क्यों बर्बाद करना है? इसे समूचा खौलते तेल में डाल दो, फिर मुलायम होने के बाद चूर चूर कर उसको समोसे में भर देंगे। जैसे ही दीनू मसाले को तलने के लिए आगे बढ़ता है, रंगा और बिल्ला दोनों भाग कर उसका पैर पकड़ लेते हैं। रंगा और बिल्ला दोनों उस दिन से समोसे वाले विशाल घर में काम करने लगते हैं। दीनू सैकड़ों गरीब परिवार को अपनी कंपनी में काम देता है। कुछ ही दिन में ये कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी बन जाती है, जिसका हेडक्वार्टर समोसे वाला विशाल घर होता है। शिवपुर गांव में रामू नामक एक किसान अपनी पत्नी सुधा के साथ रहता था। रामू बहुत ही गरीब था। रामू आलू की खेती कर घर चलाता था। उसी गांव में लाला नामक एक जमींदार रहता था। वो गांव के सभी किसानों के आलू खरीद उनको शहर में ऊंचे दामों में बेचता था। रामू भी लाला के पास अपने आलू बेचने जाता था। एक दिन रामू लाला के पास आलू बेचने जाता है। लाला कुर्सी पर बैठे बैठे हिसाब गिन रहा होता है। लाला, मुझे मेरे आलू तुम्हें बेचने हैं। गांव में सभी किसानों के आलू तुम ही खरीदते हो, मेरे भी खरीद लो। हाँ ठीक है, कितने आलू हैं तुम्हारे पास? लाला, ये लो एक बोरी आलू। ये लो 1000 रुपए। लाला, इतने सारे आलू के बस 1000 रुपए? हाँ तो क्या, 10,000 दूं? अरे यही भाव है मार्केट का, बेचना है तो बेचो, नहीं तो जाओ। अच्छा ठीक है, मैं बेच रहा हूँ। लाला ऐसे ही गांव वालों को बेवकूफ बनाकर और उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर सस्ते में आलू खरीदकर शहर में उन्हें अच्छे दामों में बेच खूब पैसा कमाता। थोड़े दिन बाद रामू फिर कुछ आलू लेकर लाला के पास बेचने पहुंचा। लाला, मुझे ये एक बोरी आलू और बेचने हैं। हाँ ठीक है। रामू लाला को आलू की बोरी देता है और लाला बोरी लेकर रामू को 800 रुपए देता है। रामू 800 रुपए देखकर बोलता है, ये तो 800 रुपए ही है। हाँ तो क्या, 10,000 रुपए दूं तुझे? लेना है तो ले, वरना भाग जा यहाँ से। मार्केट में वैसे भी बहुत आलू है, कोई खरीद ही नहीं रहा। तुम्हें बेचना है तो बेचो, नहीं तो जाओ। रामू गरीबी के कारण लाला की बात मानकर उसको आलू बेच देता है। ऐसे ही दिन बीतते चले जाते हैं और लाला आलू के दाम 800 से 400 पर पहुंचा देता है। एक दिन रामू सुबह सुबह खेत पर जाता है और देखता है कि खेत पर एक बहुत बड़ा आलू उगा है। रामू आलू देखकर बहुत चौंक जाता है और अपनी बीवी को बताने के लिए घर की ओर चल देता है। रामू घर पहुंचकर देखता है कि उसकी पत्नी सुधा की तबीयत बहुत खराब है। सुधा,
सुधा तुम्हें क्या हुआ? पता नहीं जी, सुबह से तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तुम चिंता मत करो, मैं अभी डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। रामू भाग कर जाता है और अलमारी में देखता है, पर अलमारी में कुछ पैसे नहीं होते। रामू मन में सोचता है, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, अब मैं डॉक्टर को क्या दूंगा? एक काम करता हूँ, वो बड़ा आलू जाकर लाला को बेच देता हूँ और उस आलू के पैसे से सुधा का इलाज करवा दूंगा। रामू भागते भागते आलू लेकर लाला के घर जाता है और लाला से बोलता है, लाला ये बड़ा आलू मुझसे खरीद लो और मुझे थोड़े पैसे दे दो। अरे पर इतने बड़े आलू का मैं करूंगा क्या, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, कोई मुझसे ये खरीदेगा भी नहीं। पर मुझे पैसों की जरूरत है, मेरी मदद करो, मैं आपके पैसे जल्दी चुका दूंगा। अरे तो मैं क्या करूं, जाओ अपना आलू लेकर निकल जाओ यहाँ से, मेरे पास नहीं है कोई फालतू पैसा तुझे देने के लिए। रामू आलू लेकर उदास मन से घर की ओर चल देता है। मन ही मन वो कहता है, भगवान मैंने ऐसी क्या गलती कर दी जो मुझे ऐसी सजा दे रहे हो। सुधा को बचा लो भगवान, उसे कुछ हुआ तो मैं नहीं जी पाऊंगा। ऐसा मन में बोलते बोलते रामू जा ही रहा होता है कि रास्ते में उसको उसका दोस्त दिनेश मिलता है। दिनेश रामू का मुंह देखकर बोलता है, अरे क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों और क्या बोलते बोलते जा रहे हो? यार सुधा की तबीयत बहुत खराब है, मेरे पास उसको डॉक्टर को दिखाने के पैसे नहीं है। मैंने सोचा कि मैं ये बड़ा आलू लेकर लाला को बेच दूंगा, पर लाला ने आलू खरीदने से साफ इनकार कर दिया। भगवान भी गरीब को ही मुसीबत में डालता है। अरे कोई बात नहीं, तुम भाभी को डॉक्टर को दिखाने के पैसे अभी मुझसे उधार ले लो। यार धन्यवाद तुम्हारा, बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर, अब मैं इस आलू का क्या करूं? तुम पहले भाभी को डॉक्टर को दिखा कर आओ, मैं उसके बाद तुमसे मिलकर बताऊंगा कि इस आलू का क्या करना है। रामू सुधा को डॉक्टर को दिखाने के बाद दिनेश के घर चला जाता है। दिनेश कुछ पुरानी मशीनें जोड़कर चालू कर रहा होता है। रामू दिनेश को देखकर बोलता है, अब बताओ दिनेश क्या करना है इस आलू का? अब हम इस आलू को हेलीकॉप्टर बनाएंगे। हाँ कैसे? अरे मुझे मशीन का सारा काम आता है, तुम चिंता मत करो, मैं इस आलू का बेहतरीन हेलीकॉप्टर तैयार करूंगा। पर हम इस हेलीकॉप्टर का करेंगे क्या? इस हेलीकॉप्टर की मदद से हम तुम्हारे आलू शहर में ले जाकर बेचेंगे, वो भी अच्छी कीमत पर, और लाला के लालच से बच सकते हैं। दिनेश और रामू मिलकर आलू का हेलीकॉप्टर तैयार कर लेते हैं। दोनों उसे गांव में उड़ाते हैं और ये देख सभी लोग हैरान रह जाते हैं कि आलू वाला हेलीकॉप्टर। रामू अब उसी हेलीकॉप्टर में अपने आलू डालकर शहर में बेचने लगा, उसको बहुत फायदा हुआ। समय बीतता जाता है, अब जो लोग लाला को आलू बेचते थे वो सब लोग रामू और दिनेश को आलू बेच अच्छा मुनाफा कमाते, और रामू और दिनेश भी सबके आलू हेलीकॉप्टर से बेचने शहर जाते और अच्छे पैसे कमाने लगे। इस बात से लाला को बहुत जलन होने लगी और उसने आलू के हेलीकॉप्टर को चुराने का प्लान बनाया। रामू को बहुत घमंड है ना इसके आलू के हेलीकॉप्टर पर, आज रात के बाद नहीं रहेगा। लाला एक दिन रात को रामू के घर गया। और उसने आलू के हेलीकॉप्टर को चुराने के लिए हेलीकॉप्टर को स्टार्ट कर उसमें बैठ गया, पर लाला को हेलीकॉप्टर चलाना नहीं आता था, इस वजह से हेलीकॉप्टर हवा में घूमने लगा। लाला जोर जोर से चीखने लगा, अरे अरे कोई तो बचाओ मुझे, अरे कोई रोको इसको, अरे अरे मुझे निकालो इससे। लाला की चीख सुनकर रामू और सब लोग बाहर आ गए। लाला हेलीकॉप्टर सहित नीचे गिर गया। लाला को गिरने की वजह से बहुत चोट आई। लाला ने रामू के सामने हाथ जोड़े और उसे बोलने लगा, मुझे माफ कर दो रामू, मैं तुम्हारे इस हेलीकॉप्टर को चुराना चाहता था, मैं लालच में अंधा हो चुका था। लाला की बात सुन और उस पर तरस खाकर रामू लाला को माफ कर देता है और लाला
आलू के हेलीकॉप्टर के डर से लंगड़ा लंगड़ा सा दौड़कर वहां से भाग जाता है। वहां खड़े सब लोग लाला पर खूब हंसते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।